अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो चलिए आज हम एक पेशावरी कढ़ाई बनाएंगे, पेशावरी चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल नॉर्मल हमारा प्री हीट है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ चिकन। आधा किलो चिकन लिया है हमने। चिकन को लाइट गोल्डन करने तक हम यहाँ पे इसे कुक करेंगे और लोहे की कढ़ाई में बनाने का इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। इस वक्त आंच जो है वो हमारी मीडियम है। यहाँ हमने इसे 10 मिनट्स के लिए फ्राई किया है जी ऑयल में, तो इसका ये कलर आया है। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हंसपे जायका। और यहाँ पे अब टमाटर डालेंगे ना, मेरे पास टमाटर हैं 7 से 8 उधर। आप लोगों को अगर ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो मत फिक्र करें, हमें इसे टमाटरों को मेल्ट करने के बाद ऑयल को हम अलग निकाल देंगे थोड़ा सा। यहाँ हमने टमाटर डालने के बाद 5 से 6 मिनट कुक किए। अब हम टमाटरों के जो छिलके हैं इनको निकाल लेंगे, सभी छिलकों को निकाल लेंगे। टमाटर के सभी छिलकों को रिमूव कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल आपको लगे वो हम निकाल रहे हैं। जितना हमें कढ़ाई में डालना है और जितना हम अपने घर में यूज़ करते हैं, तो कढ़ाई में थोड़ी सी तरी रहती है तो हम उस लिहाज से इसमें रखेंगे, बाकी निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 7 से 8 अदद हैं, बीच में से कट मार लें। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालूंगी, अगर आप लोग डालना चाहें, वरना हरी ज़्यादा डाल दें जितना आप स्पाइस पसंद करते हैं। तो अब हम यहाँ पे टमाटर को मैश करेंगे अच्छे से। वैसे ही मैश हो चुके हैं, फ्लेम को कर देंगे हाई। इस स्टेज पे हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और साइड के भी मसाले को आप उतारते रहिएगा। इससे ज़्यादा आपको ड्राई करना है तो कर लीजिएगा। इतनी ग्रेवी रखी है मैंने कि चपाती के साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए डिश आउट करते हैं। तो हमारी पेशावरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है और बहुत अच्छे से हमारा चिकन कुक हुआ हुआ है, आराम से टूट रहा है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, अच्छी लगे तो कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।